अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज तस्करा कर लेते हैं ह्यूमन रूट का। ह्यूमन रूट क्या होता है? इसको जिनसिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर जिनसिनोसाइड नामी स्टीराइड्स मौजूद होते हैं जो कि ग्लाइकॉन्स की फॉर्म में होते हैं। ये फोर रिंग स्टीराइडल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ और सेक्सुअल फंक्शंस को जो है वो बेहतर बना देता है। नाज़रीन अकराम, ह्यूमन रूट या शाही बूटी भी कहा जाता है या इसको जिनसिंग भी कह सकते हैं। ये कोरिया में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, चाइना से इसकी पैदावार की जाती है और अमेरिका में भी जिनसिंग जो है इसको काश्त किया जाता है। नाज़रीन अकराम, ये तो हो गए जिनसिंग की कुछ एटियोलॉजी और कुछ बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं कि जिनसिंग के फायदे क्या क्या हैं। सबसे ज्यादा फायदा तो ये इंसान की फिजिकल हेल्थ को बेहतर करता है। फिजिकल हेल्थ में दूसरी चीजें भी आ जाती हैं जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी है वो बेहतर हो जाती है, इंसान का स्टेमिना बढ़ जाता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी देखी गई हैं। जिनसिंग जो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनकी स्किन जो है वो बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा बेहतर रहती है। स्किन के साथ साथ उनके दूसरे अफाल भी काफी बेहतर होते हैं, उनमें बीमारियों का खतरा कम रहता है, उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मजबूत होता है बाकियों की निस्बत। नाज़रीन अकराम, अगर हम हड्डियों की बीमारी का तस्करा करें जैसा कि आर्थराइटस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटस है, तो ये सारी बीमारियां भी इस शाही बूटी के जरिए जो है आप इसको खत्म कर सकते हैं या इनकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन अकराम, अगर ओरिजिनल फॉर्म में ये मिल जाए, खुसूसन जो अमेरिकन जिनसिंग है और चाइना वाला जिनसिंग जो है इसकी बड़ी अच्छी अफादियत जो है वो देखी गई है, तो ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये जिस्म से फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाज़रीन अकराम, शाही बूटी या जिनसिंग जो है इसको ये मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है इसका तज़किरा कर लेते हैं। नाज़रीन अकराम, अगर आपको ओरिजिनल बूटी अवेलेबल हो जाए, ओरिजिनल रूट अवेलेबल हो जाए, तो आप इसका पाउडर बना सकते हैं। पीस कर पाउडर बनाकर इसको किसी कैप्सूल के अंदर फिल करके भी रोजाना आप थोड़ा थोड़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका आप ऑयल निकाल लें या इसकी हर्बल टी बना लें। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म में जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अज्जा से भरपूर तरीके से आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन अकराम, इसके अंदर जो फोर रिंग स्टीराइडल स्ट्रक्चर है जिसको जेंसिनोसाइड्स कहा जाता है, ये ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये ब्रेन की मुख्तलिफ बीमारियों में बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करेगा जैसा कि डिमेंशिया की बीमारी है। नाज़रीन अकराम, लोग जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ अफाल को, मुख्तलिफ कामों को भूलना शुरू हो जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के रूटीन को भूलना शुरू हो जाते हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंस को भूल कर जो है उससे फ़ायदा नहीं उठाते, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये शाही बूटी या जिनसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो ये उसमें भी भरपूर तरीके से काम करेगी, फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, स्पर्म काउंट को बढ़ा देगी और स्पर्म्स के फंक्शंस को जो है ये शाही बूटी, जिनसिंग या ह्यूमन रूट जो है वो अच्छे तरीके से ये अफाल भी सरंजाम देगी। नाज़रीन अकराम, ये हमारे एनर्जी लेवल को डायरेक्टली बढ़ा सकती है शाही बूटी जो है, और ये इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटी भी देखी गई है, और ऐसे एथलीट जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी चाहिए कि जिनसिंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाज़रीन अकराम, दिल की बीमारियों की बात करें तो दिल की बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये दिल के मसल्स को जो है वो तकवीयत देने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम डायबिटीज की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल जो है उनको रेगुलेट करने में भी जिनसिंग जो है वो भरपूर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर देगा जिसकी वजह से इंसान पर मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो कम अटैक करेंगी। नाज़रीन अकराम, इसको इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन जो मौसम है वो सर्दियों का मौसम है।
सर्दियों के मौसम में आप इसका एक कैप्सूल रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।